नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल मसाला वड़ा। दाल मसाला वड़ा मैंने दो दालों को मिक्स करके बनाया है। दाल मसाला वड़ा बनाने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पर आप क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं दाल मसाला वड़ा। दाल मसाला वड़ा बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है, आधा कटोरी तुअर या अरहर की दाल। इन दोनों दालों को मैं मिक्स करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, इन दोनों दालों को मिक्स करके मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। इस तरह से फूल गई है ये और अच्छे से भीग गई है। इन दालों में से हम थोड़ी सी साबुत दाल रख लेंगे जो कि बड़े में बहुत अच्छी लगेगी। ये मैंने थोड़ी सी साबुत दाल निकाल ली है। अब मैं इसको मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। ये देखिए, इस तरह मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, यदि ज़रूरत पड़े तो एक छोटा चम्मच पानी आप डाल सकते हैं। जो मैंने थोड़ी सी साबुत दाल रखी थी वो डाल दूंगी। दाल में डालने के लिए अब हम मसाले देख लेते हैं। एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। 3 से 4 हरी मिर्च उसके भी पीसेस कर लिए। बड़ी सौंफ, साबुत काली मिर्च और साबुत धनिया और 8 से 10 कड़ी पत्ता या मीठा नीम। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मिक्सी के जार में डाल के मैं दरदरा पीस लूँगी। ये मैंने एक बड़ा चम्मच उड़द की दाल का बारीक आटा लिया है जो हमें बड़े बनाने में ये सपोर्ट करेगा और इससे बड़े हमारे क्रिस्पी भी बनेंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने कम लिया है क्योंकि हमने तीखी वाली हरी मिर्च यूज़ की है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 पत्ते मैंने पालक के ले लिए जिनको पहले धो लिया और बारीक बारीक काट लिया है। इन दोनों का स्वाद बड़े में बहुत अच्छा आएगा। पालक ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें। और नमक स्वाद के अनुसार। एक एक करके सभी मसाले डालेंगे। अब हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और ये मैंने अदरक, हरी मिर्च, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च सभी मिक्स करके पीसा था, वो भी डाल दूंगी मसाला। ये मसाला भी बिना पानी डाले पीसा है मैंने, बिल्कुल आराम से पीस गया है। और ये जो है उड़द का आटा है बारीक पीसा हुआ, वो भी डाल देंगे हम। और सब मसालों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम डालेंगे पालक की पत्तियां बारीक कटी हुई और हरा धनिया, इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाथ से मिक्स कर लूंगी ताकि अच्छे से हो जाए। मसाला वड़ा के लिए इस तरह का एक गाढ़ा सा मिश्रण हमें तैयार करना होगा। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। दाल मसाले वड़े का हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे आकार में चपटे बड़े बना लेंगे। अब मिश्रण को हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे इस तरह और इस तरह से गोल करके और थोड़ा सा चपटा कर देंगे। इस तरह सभी बड़े बना के हम तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सभी बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको तेल में डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में हमने तेल को गर्म करने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सभी बड़े तल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, एक एक करके हम इसमें बड़े डाल देंगे। पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लेंगे हम। देखिए, बड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे हम। हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से सभी बड़ों को हम तल लेंगे। देखिए, गर्मा गर्म दाल के बड़े बनके तैयार हैं। आप मीठी चटनी, सॉस या तीखी चटनी किसी से भी इसको खा सकते हैं। तो आप भी इस विधि से बड़े बनाइए और अपने फ्रेंड्स मेहमानों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।